आत्मनिर्भरता के दौर पे तेजी से आगे बढ़ रहे इस देश का गौरव और लोकतंत्र का मंदिर, लोकसभा का हमारा संसद का भवन बन के तैयार है, उस पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल से कहना चाहूँगा कि दोहरा चरित्र ना दिखाए। और ख़ास तौर से मैं उदाहरण जब देता हूँ छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं किस प्रकार का चरित्र भूपेश बघेल और कांग्रेसी का दिखता है। सोनिया गांधी को बुलाया, राहुल गांधी को बुलाया, भूपेश बघेल खुद थे और सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उन्होंने भूमि पूजन किया। और जिस प्रकार यहाँ के गवर्नर जो अनुसूचित जनजाति की हैं, उन गवर्नर को न पूछा गया न बताया गया, मुझे लगता है कि ये अपमान है अनुसूचित जनजाति के गवर्नर का। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सर्वोच्च स्थान पे सर्वोच्च सम्मान अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू जी को दिया, तो उनको ये पच नहीं रहा है, इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं और राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से उचित नहीं। आज झीरम घाटी, झीरम के 10वीं वर्षी पे मैं सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक सवाल है जांच का और जांच की प्रगति का, आपको स्पष्ट मालूम है कि उस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने NIA का गठन किया। NIA सर्वोच्च संस्था है जो ऐसे जांच के लिए उपयुक्त होता है, और मनमोहन सिंह जी ने सही किया। उन्होंने 15 प्रश्न के जांच रिपोर्ट भी पेश किया, चार्जशीट भी 2014 में दाखिल किया, आगे की कार्रवाई करना था, पर भूपेश बघेल को संतोष नहीं हुआ। उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई, उनका भी रिपोर्ट गवर्नर के पास प्रस्तुत किया, मगर भूपेश बघेल ने 2 सदस्यीय फिर समिति एक गठन किया, जिसमें जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया। ये पूरी प्रक्रिया, मुझे लगता है कि जब NIA ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उस पर आगे काम करते, मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब